जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम द्वारा तो किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिया है फ्रेंड सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद में आगे घंटी जैसा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। और फ्रेंड, हमारे वीडियो के नीचे इस प्रकार का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके उसको नीला करें। फ्रेंड, वोटर आई डी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाके उस वेबसाइट पर विजिट करें और जो मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर उसके स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको बता दें। तो फ्रेंड, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड कैसे करें एकदम बिल्कुल फ्री में फ्रेंड, और वो भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। इसके लिए आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपको ओनली अपना नाम, पता, एड्रेस और अपने डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको डाउनलोड कैसे करें, इसको निकाले कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी, यहाँ पर क्लिक करें, इसको नीला करें और फ्रेंड जो आपको वीडियो के नीचे ये बटन दिख रहा है लाल कलर का, इस पर क्लिक करें। इसके आगे घंटी जैसा बटन दिखेगा, इस लाल वाले बटन पर क्लिक करें। कोई भी चीज़ को मिस ना करें फ्रेंड। इसके आगे ये बटन दिखेगा, ये इस पर क्लिक करें। नीचे से स्लाइड करना है, फिर नीचे नीले रंग का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक कर दें, आप यहाँ पे आ जाओगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एकदम सिंपल सा काम है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। पहले तो जो आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम था फ्रेंड, जो आपका ओरिजिनल नाम है वो डालना है। उसके बाद में अपने पिता का नाम डालना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगर आप किसी औरत का नाम निकलाना है, किसी औरत का वोटर आईडी कार्ड निकलवाना चाहते हैं फ्रेंड, तो उसके हस्बैंड का नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आप उम्र डाल सकते हैं। अगर आपको उम्र पता है एकदम एग्जैक्ट उम्र पता है तो आपको ये नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करके आपको उम्र लगा देनी है फ्रेंड। इसके बाद में आपको मेल कौन से हो, आप मेल हो या फीमेल हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपका जो ये निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है आपका, कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र आपका होता है कि वोट कौन से किसको देते हो आप, यानी जो आपका निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष होता है अपना क्षेत्र का अध्यक्ष, वो कहाँ का होता है फ्रेंड। इसके बाद में आपको नक्शे पे क्लिक करना है। नक्शे पे क्लिक करके आपको अपना गांव का नाम, अगर आप गांव से हैं तो गांव का नाम, शहर से हैं तो शहर का नाम, और कोई भी मतलब विशेष क्षेत्र का नाम लगाएंगे तो फटाफट से आपका ज़्यादा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आपको जो ये कोड दिख रहा है फ्रेंड, इस कोड को अच्छे से, अगर ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है यानी बड़ी एबीसीडी में जो वर्ड लिखा हो उसको बड़ी में, और छोटी एबीसीडी में लिखा हो वो छोटे में, और इसके बाद में सर्च पे क्लिक करें तो आपको सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे फ्रेंड। आप उनमें से छांट के उस पर क्लिक करके आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी।